टाउन में जब भी स्टार्स की लाइफस्टाइल उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर रिफ्ट में सालों बनी रहती है तो सवाल भी सालों बना रहता है। रिश्ते टूट गए और सालों वो वक्त गुजर गया। जिस रिश्ते में मिठास थी वो रिश्ता कड़वाहट की वजह से हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन फिर भी ये बी टाउन है, यहां सितारों की जिंदगी खुले किताब की तरह है और उनकी जिंदगी के एक एक पल की बातें किताबों के पन्ने की तरह कभी उलटती है कभी पलटती है। तो आज हम बॉलीवुड टाउन के दो सितारों की जिंदगी को किताब की तरह अगर देखते हैं तो वो पन्ने हम पलटेंगे जो उनके रिश्ते की कड़वाहट और मिठास के भरकर रिश्ते में मतभेद और झगड़ों के पीछे का पूरा कारण बयां करेगी। जी हां, देख रहे हैं आप नेक्स्ट नाइन न्यूज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज दोस्तों मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं बॉलीवुड की लोलो करिश्मा कपूर और बॉलीवुड की दिग्गज एग्रेसिव एक्ट्रेस कही जाने वाली विचेरियन एक्ट्रेस जया बच्चन को लेकर। जया और करिश्मा दो ऐसा नाम है जो कभी एक दूसरे के साथ बेटी और माँ की तरह रहा करती थी, जो कभी एक दूसरे के साथ बिल्कुल शादी से पहले ही लोलो के बच्चन परिवार में शामिल होने से पहले ही सास बहू की तरह रहा करती थी, जिनके बीच की बॉन्डिंग कई तस्वीरों के जरिए सामने आई है। वो आज एक दूसरे के साथ बिल्कुल अजनबी की तरह ट्रीट करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इनके बीच अजनबी वाला रिश्ता तब शुरू हुआ, तब जन्म लिया जब अभिषेक के साथ करिश्मा के 5 साल के रिश्ते, 5 साल की मोहब्बत से जुड़े रिश्ते, वो अफेयर का रिश्ता सगाई में तब्दील होने के बावजूद शादी तक नहीं पहुंच पाया। सगाई 2 महीने में टूट गई और शादी के बंधन में बंधने से पहले हजारों लाखों उनके प्रशंसकों के सपने टूट गए। सपना कपूर परिवार और बच्चन परिवार का भी टूटा जिन्होंने अभिषेक और करिश्मा को साथ देखना चाहा। अब कैसी लड़ाई थी इनके बीच, क्या था कारण करिश्मा और अभिषेक के झगड़ों का जो ये दोनों हमेशा के लिए अपने रास्ते अलग कर गए, इस पर क्या कहना था जया बच्चन का, आज हम आपको हमारे इस प्रोग्राम में जा बताएंगे। तो आइए स्पेशल रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं जया बच्चन का क्या कहना है अपनी घर की एक्स बहु यानी कि अभिषेक की एक्स फियोंसी करिश्मा कपूर को लेकर। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड में दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन को हमेशा से ही अपने बेबाक बयान के लिए जाना जाता है, लेकिन जब जया बच्चन ने अपने बेटे की लाइफ से जुड़े सवालों का जवाब दिया तब कपूर फैमिली का नाम उनकी जुबा पर बड़े ही सलीके से आते हुए देख कई लोग हैरान भी रहे, क्योंकि ये वही कपूर फैमिली थी जिसके साथ जया बच्चन ने समधन का रिश्ता जोड़ा और फिर टूट भी गया ये रिश्ता 2 महीने में। सवाल आपके जहन में भी होगा, क्या वाकई में करिश्मा और अभिषेक के रिश्ते की ही बात हो रही है? तो सही समझा आपने, बिल्कुल यहाँ पर करिश्मा और अभिषेक के रिश्ते की ही बात हो रही है। तो क्यों करिश्मा नहीं बन पाई बच्चन परिवार के बहू के लायक, क्यों जया बच्चन करिश्मा कपूर को अपने बेटे के साथ पत्नी रूप में देखने का सपना देखने के बावजूद, इस रिश्ते की टूटने के बावजूद अफसोस नहीं जताती नजर आई, सवाल तमाम थे लोगों के जहन में, जिसका जवाब सालों बाद मिल गया जब जया ने इस पर कमेंट किया, और वो भी तब जब अभिषेक की जिंदगी में आ चुकी थी करिश्मा के जाने के सालों बाद ऐश्वर्या राय बच्चन। ये तो आप भी जानते हैं कि करिश्मा कपूर ने साल 2002 में अभिषेक के साथ सगाई कर ली थी और 2 महीने बाद ही उनकी सगाई टूट गई थी। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की शादी का ऐलान जया बच्चन ने खुद से ही किया था और तब अभिषेक, अमिताभ, जया और साथ में करिश्मा के अलावा श्वेता नंदा बच्चन और तो और पूरा कपूर फैमिली एकजुट था। लेकिन साल 2003 में जाकर सगाई टूटने के बाद करिश्मा ने शादी कर ली थी बिजनेसमैन संजय कपूर से और फिर करिश्मा 2 बच्चों की मां बनती चली गई और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बच्चन परिवार से दूर हो गई। लेकिन बच्चन परिवार से जब करिश्मा का रिश्ता टूटा था, कई लोग ये सोचते थे, कई लोग ये मान बैठे थे करिश्मा और अभिषेक के झगड़े के बीच जया बच्चन ही असली रीजन थी। कई लोग ये भी कहते थे कि करिश्मा और अभिषेक की सगाई टूटने की वजह करिश्मा की अपनी मां बॉलीवुड की पुरानी एक्ट्रेस
रणधीर की पत्नी यानी कि बबीता कपूर थी। कई लोग ये भी कहते थे कि अभिषेक बच्चन का फाइनेंशियली बॉलीवुड में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो स्टेटस थी वो नहीं होना भी, यानी कि उनकी करियर में बहुत ही बड़ी उनकी सफलता उन्हें अब तक नहीं मिल पाई थी, जिसके कारण करिश्मा टॉप एक्ट्रेस होने के बावजूद अभिषेक बच्चन से शादी नहीं कर सकती। कारण जो भी हो, लेकिन इस तरह के खुलासे हुए, लेकिन इन सभी सवालों पर जवाब किसी का भी खुलकर सामने नहीं आया। अब करिश्मा के साथ अपने बेटे के रिश्ते टूटने पर अभिषेक और जया बच्चन के बीच की बॉन्डिंग नहीं टूटी और ना ही अभिषेक बच्चन और करिश्मा फिर दोबारा मिले कभी भी किसी मौके पर। तो इस बारे में जया बच्चन ने सालों बाद खुलासे किए, जब उनके घर पर बहू बनकर साल 2007 में आ चुकी थी बच्चन बहू बनकर मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन, जिन्हें लेकर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। श्वेता नंदा बच्चन की शादी के बाद अभिषेक की शादी पर जिस जया की खुशी का ठिकाना नहीं था, उस जया बच्चन के लिए करिश्मा कपूर तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन बाद में करिश्मा उनके बेटे के साथ जिंदगी भर नहीं रह पाती खुश से, ऐसा ही इशारा जया बच्चन ने किया था। जया बच्चन ने उस रिफ्ट पर जवाब दिया था, अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर जिनकी सगाई हुई वो रिश्ता क्यों टूट गया, 5 साल तक जिन्होंने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन किया, वो अभिषेक और करिश्मा क्यों हमेशा के लिए अलग हो गए। इस पर जवाब जया बच्चन का भी कुछ ऐसा था जिनका कहना साफ था कि कल्चर और ट्रेडिशन के मामले में वो अपने बहू के लिए बहुत सारे सपने देख चुकी थी और उन सपनों को पूरा करने के लिए एक ऐसी लड़की की उन्हें तलाश थी अपने बेटे के लिए जो बच्चन परिवार के कल्चर और ट्रेडिशन को खास तौर पर फॉलो करे। साल 2008 में यानी कि ऐश्वर्या की शादी के ठीक एक साल बाद जया बच्चन ऐश्वर्या की तारीफ में बड़े खुलासे करती नजर आई। दरअसल एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में ऐश्वर्या के सामने ही जया बच्चन ने खुलासा किया था कि वो चाहती थी अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से हो जो ट्रेडिशन और कल्चर को सबसे ज्यादा वैल्यू दे, फैमिली को वैल्यू दे। जया बच्चन ने तब कहा कि करिश्मा कारण नहीं थी शादी तोड़ने की, करिश्मा भी कपूर फैमिली का हिस्सा थी और उनके भी ट्रेडिशन थे अपने और करिश्मा के अंदर कपूर परिवार के जीन थे जो कि कपूर परिवार उनका बहुत गहरा रहा। रणधीर कपूर और जया अच्छे दोस्त हमेशा से रहे और अमिताभ के साथ भी कपूर परिवार का हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है, इसलिए परिवार वालों को ब्लेम करना सही नहीं है। लेकिन करिश्मा किसी वजह से अभिषेक के साथ सगाई तोड़कर ना खुश रही या फिर खुश रही, ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, इस पर वो ज्यादा डिस्कस करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। कई सवाल थे जिसके जवाब आज तक नहीं मिल पाए। आज भी करिश्मा जब बच्चन परिवार के सामने आती है तो वो खासकर अभिषेक और ऐश्वर्या से दूरी बनाती है, जया बच्चन से दूरी बनाती है। लेकिन बाकी अगर बात की जाए अमिताभ जया की बेटी श्वेता की, तो श्वेता बच्चन से कभी भी करिश्मा का रिश्ता नहीं टूटा, वो आज भी अच्छे दोस्त है और रिश्ते में ये दोनों सिस्टर इन लॉ और इसलिए भी है क्योंकि करिश्मा के कजन फुफेरा भाई यानी कि निखिल नंदा की पत्नी है श्वेता नंदा, जो कि करिश्मा के साथ अभिषेक और करिश्मा का रिश्ता जोड़ने से पहले से ही साथ थी, जिसके कारण ये आज भी एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब माने जाते हैं। वेल दोस्तों, ये था हमारा बेहद ही स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड की लोलो करिश्मा और उनके एक्स फियोंसी अभिषेक, साथ में बच्चन परिवार कपूर परिवार के बीच बॉन्डिंग के बारे में। अगर आज भी आप अमिताभ बच्चन को कपूर परिवार के बीच शामिल देखते हैं, अगर आज भी आप बच्चन परिवार की खुशियों में करिश्मा को शामिल होते देखते हैं, तो इसके पीछे कारण अमिताभ का कपूर परिवार से गहरा लगाव है, श्वेता बच्चन का कपूर परिवार के साथ रिश्ता है, करिश्मा का श्वेता के साथ ननद और भाभी वाला रिश्ता है, जिसके कारण यहां चाहकर भी अभिषेक और करिश्मा का आमना सामना हो ही जाता है, लेकिन अपने पुराने रिश्ते के कारण इन्हें अजनबी की तरह पब्लिकली व्यवहार करना ही पड़ता है।
फिलहाल लेंगे आपसे यहीं पर विदा, बहुत जल्द लौटेंगे ऐसे ही बॉलीवुड की ट्रेंडी हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप्स को लेकर। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।